नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। आज के इस कार्यक्रम में हम देख सीआरपीएफ ने किया कंप्यूटर क्लास का शुभारंभ, सिविल एक्शन प्रोग्राम का आयोजन। बिटली में स्कूली बच्चों को शिक्षा स्तर में आगे बढ़ाने हेतु सीआरपीएफ ने की अनोखी पहल। स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर का भी ज्ञान प्राप्त हो सके, इसके लिए बिटली में कंप्यूटर क्लासेस का शुभारंभ किया गया। अक्सर देखा गया है कि सीआरपीएफ कंपनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों एवं गरीब ग्रामीणों को सामग्रियां बांटी जाती हैं। इसी तरह बिटली में भी केंद्र सरकार के आदेशानुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स 1-2-3 बटालियन के द्वारा ग्रामीणों को सामग्रियां बांटी गई। कमांडेंट श्री कमलेश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिस और पब्लिक के बीच आपसी तालमेल एवं भाईचारा बढ़ाना एवं गरीब जनता को कुछ सामग्री वितरण कर उनकी मदद करना है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे डोमिनिक, एमजी डिप्टी कमांडेंट उमेश कान ब्रह्मे, असिस्टेंट कमांडेंट जेम्स बारीक, अध्यक्ष सर्वधर्म सेवा समिति आशुतोष सिंह, सब इंस्पेक्टर बिटली सरविंदर धुर्वे, सब इंस्पेक्टर रूपझर थाना, सब इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा, कमलेश कुमार कमांडेंट 123 बटालियन सीआरपीएफ जी। आज बिटली में जो हमारी रॉकस्टार कंपनी है, जिसे एमएफ कंपनी बोलते हैं, उसके यहाँ एक सिविक एक्शन प्रोग्राम किया गया है, जिसमें हमारा जो मेन मुद्दा था गांव के लोगों को मदद करना, उनमें बर्तन वितरण करना, कपड़े वितरण करना, स्कूल के बच्चों को कापी किताबें बैग्स वितरण करना, बाकी जो और आवश्यक चीज़ें हैं वो सब चीज़ों का वितरण किया गया। इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण है हम शिक्षण की स्थापना की है, इससे बिटली के आसपास के जितने भी दूर दराज के ग्रामीण बच्चे हैं इससे लाभान्वित होंगे। मंगलवार की सुबह बड़ी खगोलीय घटना देखी गई। अलवर जिले में मंगलवार सुबह 5 बजे के बीच अचानक से धमाका हुआ और पूरे आकाश में उजाला हो गया। रोशनी इतनी अधिक थी कि अचानक से सब कुछ साफ दिखने लगा। ये रोशनी 5 से 6 सेकंड तक रही और फिर से अंधेरा हो गया। ये रोशनी पूरे जिले में देखी गई। जानकारी के अनुसार ये रोशनी आसमान से किसी वस्तु या उल्का पिंड के गिरने की बताई जा रही है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सुबह से ही ये घटना कुतूहल का विषय बन गई है। जिले भर में चर्चा ये भी है कि सुबह 5:12 पर कोई रॉकेट नुमा वस्तु धरती पर आकर गिरी। इसके गिरने के बाद अचानक से एक धमाका हुआ, जिसकी गूंज पूरे जिले में सुनाई दी। सुबह से ही इस घटना की गांव और यहां तक कि गलियों में चर्चा चल रही है। ये घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई है। जिले भर से इसके सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि अंधेरे के बाद अचानक से उजाला हो गया। ये उजाला करीब 5 सेकंड तक दिखता है और फिर गायब हो जाता है। चाहोगे आपने सूचना दी थी? मैं रोज करीब 4:30-5 बजे खड़ा हो जाता हूँ। जैसे मैं खड़ा होने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मेरे रात में सीसीटीवी कैमरे को चेक करता हूँ। ये मेरी शुरू से आदत है कि रात में क्या क्या घटना हुई, कौन आया कौन गया, सब चेक करता हूँ। तो मैंने उसमें दो जो सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं उस वो स्लो मोशन, उसमें मैंने मोशन डिटेक्टर पर लगा रखे हैं दो कैमरे। बाकी कैमरे तो कंटिन्यू रिकॉर्डिंग होती है, बाकी दो कैमरे की मोशन डिटेक्ट में है। तो जैसे मैंने चेक किया मेरा कैमरा, तो सुबह करीब 5:18 पर मैंने देखा तो एकदम भयंकर रोशनी देखी मेरे प्लॉट में साइड वाले कैमरे में। मैंने देखा ये क्या चीज़ है, उसको गौर से देखने तो पता लगा कि ये दक्षिण दिशा से कोई चीज़ गई और उत्तर की तरफ आई है, क्योंकि मेरे मकान की परछाई मुझे दिखी बाद में जाती हुई। उसके बाद मैंने दूसरा कैमरा चेक किया तो उसमें भी यही स्थिति थी। उसके बाद मैंने मेरे जो 5-6 कैमरे और लगा रखे हैं जो रूटीन में, जिसमें
रिकॉर्डिंग होती है उनको चेक किया, घर के बाहर जो बिजली के वायर वो भी जाते हुए देख रहे, मात्र एक सेकंड में वो चीज़ निकल गई ऊपर से, उसकी स्पीड कितनी हुई होगी। अब जैसी वो निकली उसके बाद एक हवा का झोंका भी आया, उससे मेरे आवाज़ बज गेट के गेट में खड़खड़ाने की आवाज़ आई एक बार, तो उसके जाने के बाद आई वो, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में ऊपर कोई चीज़ निकल गई हो, उड़न तस्त्री हो या और कुछ ही हो सकता है, उसके जाने के बाद हवा का झोंका आया। उसके बाद यहाँ से जो चीज़ गई थी वो गेट के उधर से गई थी, नहीं ऊपर से निकल गई थी, ये मैं बता रहा हूँ, ये दक्षिण दिशा से आई है, उत्तर दिशा की तरफ गई है और इतनी भयंकर रोशनी थी कि जो मात्र एक या दो सेकंड में निकल गई। क्या लगता है हादसा भी हो सकता था क्या? हाँ कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या चीज़ है, या कोई खगोलीय घटना है या कोई उड़न तस्त्री गई है या और कुछ गई है कोई साजिश से, पता नहीं सकता क्या चीज़ है। पहले भी एक बार आपने कहा तो पहले भी पहले करीब दो तीन साल पहले रात में हम छत पे घूम रहे थे तो करीब 11-12 बजे करीब ऐसी भयंकर रोशनी देखी थी, मगर फिर हमने सोचा कि ऐसे होता होगा कोई चीज़ गई होगी। मैंने इस घटना के बाद मेरे आस पड़ोस में पूछा तो हमारे एक राजेश जी रहते हैं, हमारे मेरे नाम रहते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उसके कैमरे में बोला तो उनके कैमरे में थी। उसके बाद मैंने गोल्डन बाग होटल का जो सरपंच साहब है गब्बर सैनी उसको मैंने फ़ोन किया, उनके कैमरे चेक किए तो उनके कैमरे की रिकॉर्डिंग आई उनमें भी थी। उसके बाद सदर थाने के सामने एक सर्विस सेंटर है वहाँ भी थी। इसका मतलब ये है कि पूरे अलवर में आई हुई तो पूरे अलवर में, मतलब ये मात्र एक दो सेकंड का था, जो इतना पता नहीं लग सकता, मात्र एक दो सेकंड का था ये। ये लोहिया फार्म सिर्राम एनक्ले लोहिया फार्म जयपुर रोड बाखेड़ा। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, बेल आइकॉन को दबाएं जिससे आपको हमारी सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।